वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलजेब्रा और डायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तब भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे और ये इसमें से गारंटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए पेपर में। तो वीडियो को एंड तक पूरा अच्छे से देखेंगे, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल रिजल्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन ही केवल अलजेब्रा के लिए हैं, बाकी डायनेमिक्स के ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन आर द लेटेंट रूट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स दिया होगा, कौन सा होगा, देन ये ऑप्शन दिया होगा तो आपका 1/λ1 1/λ2 सोन लेमडा एन प्रोवाइड लेमडा आर नॉन जीरो। ठीक है, ए क्यूब आर द लेटेंट रूट, अगर ए क्यूब के पूछ देता है यहाँ पे पूछ देगा देन फाइंड द रूट ऑफ ए क्यूब और ये ऑप्शन होगा तो ये सही होगा। अगर पूछता है ए इनवर्स के बताने हैं तो ये 1/λ1 वाले होंगे। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हैं, ए क्यूब का पूछता है तो ये और ए इनवर्स का पूछता है तो ये। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से, द वेक्टर स्पेस वी एन इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइन एज एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई एन दिया है तो एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा आपसे तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू सो ऑन एक्स एन वाई एन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ये कोलोरली दूजी हुई है, ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दे रखा होगा पूछेगा कि ये बराबर है तो अल्फा एक्स कॉमा वाई बराबर होगा अल्फा एक्स वाई के, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने उसमें भी देखा था। ये दे रखा था उसमें अल्फा एक्स वाई पूछा था ये वाला बराबर होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो उसमें ये था। ठीक है, तो ये वाला तो सही था बाकी गलत थे। ठीक है, तो ये जो इस टाइप से लिखा होगा तो अल्फा बार होगा। ठीक है, एक्स अल्फा वाई को अल्फा बार एक्स वाई, अल्फा एक्स बीटा वाई देन अल्फा बीटा बार एक्स वाई, तो ठीक है इस टाइप का ये हो सकता है। आगे देखते हैं, ये हमारे डायनेमिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली पेपर जो केमिस्ट्री का है उसके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और जो उसके बाद पर्यावरण का पेपर होगा, आप में से कितने लोग पर्यावरण का पेपर दे रहे हैं वो उन लोगों के लिए भी मतलब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ेंगे नहीं, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है पेपर्स में। ठीक है, तो आपको दे रखा होगा इतना और पूछेगा बताइए हाइट कितनी होगी, तो आपको ये वहाँ पर लगाना है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सा है हम याद कैसे रखेंगे, तो कैसे भी रखिए आपको वहाँ पे लगा तो पाएंगे नहीं, इतनी तो बात तो क्लियर है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप लगा पाएं, तो इसलिए आपको रिजल्ट मतलब आप रटिए चाहे जो करिए आपको याद तो करना ही है। तो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी जस्ट सफिशियंट टू कैरी इट टू इनफाइनाइटली प्रूव दैट द टाइम इज टेकन टू रीच अ हाइट एच इज। हमने डायनेमिक्स के फुल थ्योरी बेस भी जो है डिस्कस किए हुए हैं, आप चाहें अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ से देख सकते हैं कैसे लगते हैं। ठीक है, पुरानी वीडियोस हो गई होगी थोड़ा, लेकिन फुल डिस्कशन है। ठीक है, तो रिजल्ट अब हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, रिजल्ट ही देखेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट क्या, हाइट कितनी हो जाएगी, 1/3√2a/3 1+h/a³³-1। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये पेपर कभी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो हमको पता नहीं क्या आ जाए, तो ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ के जाएंगे। इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल इसको कई बार देख डालिए चाहे जो करिए तो याद करना है आपको बस। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड होगा अर्थ सरफेस के, और कहाँ से लाया जा रहा है, इनफाइनाइट, देन पूछ रहा है हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट ये हो जाएगी आपकी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एस टू द सरफेस सरफेस फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द सरफेस एंड शो दैट द करस्पॉन्डिंग टाइम इज। वहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड द टाइम देन टाइम, ठीक है, इस टाइप से लिखा होगा, 4 इक्वेशन दी होंगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ आप इस टाइप से भी याद रख सकते, देखिए कहीं भी माइनस नहीं है इसमें। ठीक है, जो माइनस वाले ऑप्शन दिख जाए वो तो पहले गलत, साइन इनवर्स के साथ में अंडर रूट एच अपॉन ए प्लस एच है, आपको ये ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए ए एच अपॉन ए प्लस एच, यहाँ उल्टा है उसका, ए प्लस एच अपॉन एच है साइन इनवर्स के पहले, ये अंडर रूट एच अपॉन ए, अंडर रूट ए प्लस एच अपॉन टू जी इंटू अंडर रूट एच अपॉन ए प्लस एच अपॉन एच साइन इनवर्स अंडर रूट एच अपॉन ए प्लस एच, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं,
अगला इशू होता है द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ द डिसेंट टू द अर्थ सेंटर ऑफ द फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/v² स्क्वायर है, फ्रॉम द सेंटर थ्रू फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस टू द थ्रू द सेकेंड हाफ, रेशियो पूछा है वहाँ पे, ये शो दैट की जगह लिखा होगा फाइंड द रेशियो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई बाई पाई प्लस टू पाई माइनस टू, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पाई प्लस टू पाई माइनस टू रेशियो होगा, पहले प्लस देन माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इक्वल टू ए फॉर एन इंटरवल टी वन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द एसलेशन इज माइनस म्यू एक्स फॉर अ सबसिक्वेंस टाइम टी टू द एसलेशन इज म्यू एक्स एंड एट द एंड ऑफ द इंटरवल द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, प्रूफ करना है वहाँ पर लिखा होगा। देन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज राइट, ओके इस टाइप से आ सकता है। तो ये तो बहुत ही आसान रिजल्ट है, आप लोग याद करेंगे। देखिए मैं बता रही हूँ वैसे बिल्कुल याद करना है। टेन अंडर रूट म्यू टी वन टेन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी टू, आपको याद रखना है क्या, टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू वन, इस टाइप से याद कर लीजिए। ए क्या होगा, रूट म्यू टी वन यहाँ और रूट म्यू टी टू यहाँ, देखिए पूरे पर रूट नहीं है, केवल रूट म्यू पे है, इतना याद रखेंगे। और एक टेन है, दूसरा टेन हाइपरबोलिक है। ठीक है, टेन रूट म्यू टी वन टेन हाइपरबोलिक, ये एच जो लगा होता है इसका मतलब हाइपरबोलिक होता है, टेन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी टू इक्वल टू वन। ठीक है, इस टाइप का कोई भी वहाँ पे दिख जाएगा तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हुज मास इज एम इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स म्यू एम म्यू एक्स प्लस ए फोर अपॉन एक्स क्यूब टूअर्ड द ओरिजिन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस शो दैट इट विल अराइव एट ओरिजिन इन टाइम। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कौन सा सही है। ठीक है, बस इतना सही पूछेगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना है पाई बाई फोर रूट म्यू, ओके ये टाइम लगेगा, पाई बाई फोर इंटू रूट म्यू। ठीक है, पाई बाई फोर रूट म्यू याद रट लीजिए। ठीक है, जब दिया होगा कि क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एम म्यू एक्स प्लस ए फोर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, कहाँ लग रहा है, टू आर द ओरिजिन लग रहा है। देन ठीक है, इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस देन ओरिजिन देन शो द इट विल अराइव एट द ओरिजिन, कितने पर ओरिजिन पे आ जाएगा, तो टाइम लगेगा पाई बाई फोर रूट म्यू। ठीक है, म्यू जो है वो अपॉन में है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सारे आपको क्वेश्चंस के जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हालांकि आप वीडियो से पढ़ेंगे तो गारंटी मानिए आपको पढ़ने से इतना याद नहीं होगा जितना वीडियो देखने से याद होगा। तो आप चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तीन बार देखने से बिल्कुल याद हो जाएगा, पक्का बता रहे हैं आपसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हैव ए पार्टिकल ऑफ वेट डब्ल्यू डब्ल्यू वेट है एक पार्टिकल का अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से लटकाया जाता है। डिस्क्राइब अ सर्किल इन अ वर्टिकल प्लेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज द वैल्यू एम डब्ल्यू एंड एन डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ सो दैट एन इक्वल टू एम प्लस सिक्स, वहाँ पूछेगा क्या है लोएस्ट, और अगर मतलब यही दिया होगा पूछेगा कौन सा सत्य है इनमें से, तो n इक्वल टू एम प्लस सिक्स, इतना ईजी था, n इक्वल टू एम प्लस सिक्स कहीं भी दिख जाए ऑप्शन में, मतलब यही सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लगा लेंगे, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे विद मतलब पूरा सोल्यूशन भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैवी पार्टिकल हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी सच दैट, ठीक है ये वेलोसिटी भी दे रखा है, वी स्क्वायर बराबर टू प्लस रूट थ्री ब्रैकेट में ए जी, ठीक है ये दे रखा है। देन शो दैट कह रहा है आपसे, पूछेगा स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ठीक है पूछेगा कौन सा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल बनाएगा कौन सा, ये एंगल बनाएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, तो ये भी याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल रट लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है दिख नहीं रहा होगा, ठीक है कोशिश करते हैं देखने की, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड ऑफ अ
ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट शो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट आफ्टर लीविंग। देखिए इसको स्क्रीन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आराम से देखिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वन मिनट। ठीक है, तो पाथ क्या रहेगा, द सर्किल में पासिस थ्रू द सेंटर, तो ये होगा, क्या होगा सेंटर, क्या होगा, रूट 1/2 AG इंटू √3+1, तो √1/AG √3+1, इतना ईजी सा है। तो याद हो गया आप लोगों को, √1/2 AG इंटू √3+1। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि पूरा सोल्यूशन है, अगर आप चाहें तो पढ़िए इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पार्टिकल इज फ्री टू मूव ऑन अ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद वेलोसिटी जस्ट सफिशियंट टू कैरी इट इन द हाईएस्ट पॉइंट, शो दैट द रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द वायर वैनिश आफ्टर द टाइम √a/g। टाइम पूछेगा तो ये होगा कौन सा, अगर कोई पार्टिकल है फ्री टू मूव, ठीक है, फ्री है, स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर वायर है, ठीक है, रेडियस ए का वायर है, तो कहा जा रहा है कि लोएस्ट पॉइंट, इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है, देन सफिशियंट कैरी टू हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इतनी मतलब वेलोसिटी के साथ जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, लाने के लिए, देन शो करना है क्या, वहाँ पे टाइम पूछेगा कि कितना टाइम लग रहा है, तो √a/g log √5+√6। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने फोटो लिए हैं बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की, ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ओके, और आपके लिए इतनी मेहनत ज़्यादा की जा रही है जब, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं। पेपर के बाद ये भी बताइएगा क्वेश्चन आए थे या नहीं, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हो सकता है आ जाए, आप पेपर अलग से ही आ जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अगला है, हैवी बीड स्लाइड ऑन द स्मूथ फिक्स्ड सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इफ़ इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद अ वेलोसिटी जस्ट सफिशियंट टू कैरी इट टू द हाईएस्ट पॉइंट, प्रूव दैट द रेडियस थ्रो द बीड इन टाइम टी विद टर्न थ्रू एन एंगल, ठीक है, देन पूछ रहा है कितना एंगल बनेगा, तो अभी एक एंगल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल पढ़ा था, कॉस इनवर्स -1/√3, दूसरा एंगल √2 tan inverse साइन हाइपरबोलिक टी √a/g/a, ठीक है, √2 tan inverse साइन हाइपरबोलिक √g/a, इतना इजी सा है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये याद रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये केस 1, 2, 3 बहुत सारे केस थे, तो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो ले लिया। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप पार्टिकल फॉल फ्रॉम ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम शो रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, देन बताना है टू डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पूछेगा कि अगर मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है मोशन करना, तो बताइए इसके जो है मोशन को बताइए कितना होगा, तो ये अभी देखिए आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अभी आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा, विद सोल्यूशन है सब कुछ हमारे पास, लेकिन सोल्यूशन दिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी अलोंग द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ मीडियम हूज रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ मास इज म्यू टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ वेलोसिटी सो दैट द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इट टाइम टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए UPPCS में पूछा गया है, सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो वन आप सोच रहे हैं लेवल भी ज़्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ही के लेवल का है। ठीक है, तो ये लिख के आए तो ये टाइम है, ये लिख वेलोसिटी पूछे, देन वेलोसिटी ये है हमारी, ये हमारा टाइम है, ये हमारी वेलोसिटी है, दो रिजल्ट्स हैं, इसमें से कोई एक रिजल्ट आपसे पूछ सकता है पेपर में, अगर टाइम पूछता है तो क्या बताएंगे, 1/μv इंटू √1 - 2μv²t, ठीक है, जो रूट लगा है ये पूरे पे है रूट माइनस वन, और जो वेलोसिटी होगी ये v/√1+, देखिए ये तो आप याद रख सकते हैं दोनों में सेम, ठीक है, तो √1+ यहाँ हो सकता है किसी ऑप्शन में यहाँ माइनस दिया हो, तो आपको पता है यहाँ प्लस होता है, √2μv²t, 3-4 बार पढ़ लीजिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा, आगे हम देखते हैं।
अपने जितने भी इष्ट मित्र फ्रेंड जो भी सर्कल हो सबको शेयर कर देंगे, ठीक है वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मतलब पहला नहीं है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी वर्टिकली अपवर्ड अंडर द ग्रेविटी इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस इज एम अपॉन वी स्क्वायर। व्हेन द पार्टिकल हैज़ द वेलोसिटी वी, प्रूव करना है ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज। तो पूछा है कितनी ग्रेटेस्ट हाइट को वो प्राप्त कर लेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए, ये है आफ्टर टाइम, ये टाइम है, ठीक है। पार्टिकल इज ये दे सकता है और ये पूछ सकता है, ठीक। टाइम ये है और वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। तो टाइम याद रखेंगे, 1/√LG टेन इनवर्स वी अंडर रूट एल अपॉन जी, और ये भी याद कर लीजिए, हो सकता है यही मिल जाए। आप ऑप्शंस को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। 1/2L log 1+LV² / g ऑप्शंस में देख लेंगे, कहीं भी मिल जाए वो लगा देंगे, ओके। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अ पार्टिकल फॉल फ्रॉम द रेस्ट इन अ मीडियम इन विच रेजिस्टेंस इज kV² per unit mass। देन आपसे पूछे गए हैं, प्रूव दैट की जगह लिखा होगा, आपसे ये गायब होगा, लिखा होगा द डिस्टेंस फॉलन इन टाइम, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो 1/k log hyperbolic t√gk ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आगे पूछ लेता है, कह रहा है कि आगे पूछ लिया, इफ अ पार्टिकल वर असेंडिंग शो दैट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, देन हाईएस्ट पॉइंट से पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 1/k log यहाँ sec हो जाएगा, बस कुछ नहीं चेंज, यहाँ cos hyperbolic था, यहाँ sec हो गया, देखिए कितना ईजी सा है। आप लोगों को याद हो गया कि नहीं, नहीं याद हुआ, चलिए कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी वी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द एयर प्रोड्यूस रिटार्डेशन kV² वेयर वी इज द वेलोसिटी, शो दैट द वेलोसिटी वी डैश विच द पार्टिकल रिटर्न्स टू द पॉइंट टू प्रोजेक्टेड इज गिवन बाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1/v² = 1/v² k + g, ये रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक, 2018 में आपके रिटर्न एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 1/v² = 1/v² k + g, ओके। आगे देखते हैं, ये देखिए 2012 में आपसे रिटर्न में पूछा गया, उससे पहले 94-96 में भी आया है। इफ़ वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम फॉलिंग अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इन फॉलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। देखिए बहुत ही, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमको इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लगे वही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं, बस आज रात भर का टाइम है, यही बस जो पढ़ पाएँ वो पढ़ पाएँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, तो आपको शायद एक आधा क्वेश्चन आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, गारंटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1/2mv² (1 - e^(-2gh/B² होगा, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर किसकी क्वेश्चन होती है, कौन सी एनर्जी है ये, तो ये इस टाइप से याद रख सकते हैं, 1 - e^(-2gh/B², ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे कैपलर लॉ से लिया गया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो लगे वो ले लिए। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, शो दैट द लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, वहाँ ये नहीं लिखा होगा, ये हटा दीजिए, लॉ ऑफ फोर्स व्हेन द ऑर्बिट इज r = a sin θ, देन चार ऑप्शन दिए होंगे, ये ऑप्शन सही होगा, h² = 2na² / r^5, ये देखिए r^5 -n² - 1/r³, ठीक है, n² - 1/r³, ठीक है। एप्स क्या होता है, एन एप्स इज अ पॉइंट इन अ सेंटर ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू द ऑर्बिट हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पूछेगा किसके लिए जो है होता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी दोनों के लिए होता है, ठीक है। एप्साइडल डिस्टेंस पूछ दे, तो एप्साइडल डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ एन एप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इन इज कार्ड एन एप्साइडल डिस्टेंस, ठीक है। दो डिस्टेंस होती है ऐप की सेंटर से, एप्स की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, वही हमारी डिस्टेंस होगी, एप्साइडल डिस्टेंस, ठीक है। एंगल पूछे, तो जो एंगल बनेगा दो एप्साइडल डिस्टेंसेस के बीच में, जो एंगल बनेगा दो एप्साइडल डिस्टेंसेस के बीच में वही हमारा एप्साइडल एंगल हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर डबल टिक करेंगे। इफ़ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट एट नियर एंड एट टू द ऑफ द मेजर एक्सिस, प्रूव दैट इट पीरियड इज 2π/ω√1+e/1 - e³, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी करके जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये कौन सा सही हो जाएगा, 2π/ω अंडर रूट 1+c/(1 - e) का होल क्यूब। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पूछ दे ट्रांसवर्स जो है सोल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है हमारा, ठीक है, फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट इन सेंटर ऑर्बिट। आपको पता है सेंटर ऑर्बिट के लिए ट्रांसवर्स सोल्यूशन 1/r/dt ऑफ r² d θ/dt क्या होगा, जीरो होगा। बिल्कुल करेक्ट, इसको याद रखेंगे, ये ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन है, पढ़ा होगा रेडियल ट्रांसवर्सल, याद है कि भूल गए, याद नहीं है तो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगला, इफ v1 एंड v2 आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द प्लैनेट वेयर इट इज़ रिस्पेक्टिवली नियरेस्ट टू एंड फॉरेस्ट फ्रॉम द सन, प्रूव दैट नहीं लिखा होगा, ठीक है, पूछेगा बताइए कौन सा सही है। तो 1 - v v1 ऐसे भी लिखा हो सकता है, v1/v2 = 1+e/(1 - e), ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं है तो याद रखेंगे, ठीक है, इस टाइप से लिखा हो या आप लोग ये याद रखेंगे v1/v2 = 1+e/(1 - e), और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर यही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये 11, 12, 13 तीनों सन में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इलिप्स अंडर अ फोर्स म्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर टुवर्ड द फोकस इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर शो दैट द पीरियड ऑफ टाइम इज, टाइम ये है 2005 में पूछा गया है, 2π/√μ2/r - v² / μ की होल पावर -3/2, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे 2π/√μ2/r - v² / μ की होल पावर -3/2 है, पावर कितनी है -3/2, ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा नहीं है तो ये भी याद रखेंगे। देखिए ये भी आपको बताया था इस टाइप से लिख के, तो यही यहाँ पे भी लिखा हो, तो इस टाइप से आई या इस टाइप से, दोनों एक ही चीज़ है, आप देख लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर लग जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, आप लोग उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पार्टिकल्स मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड वाइल मेकिंग एन एक्सक्रीजन फ्रॉम द वन पोजीशन टू द रेस्ट टू द अदर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एट 3 consecutive seconds आर ऑब्जर्व बी द x1 x2 xn, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है, तो नंबर ऑफ पूछेगा कि टाइम कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में, सभी दोलन करने में समय कितना लगा, तो 2π/cos inverse x1 + x3/2x2, बहुत ज़्यादा याद करके रखिए, 2π/cos inverse x1 पहला प्लस आखिरी अपॉन जो बच्चा वाला x2 बचा और 2, ठीक है, 2017 में पूछा गया, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अबाउट अ सेंटर ओ एंड इट पासेस थ्रू अ पॉइंट पी वेयर op = b वेयर वेलोसिटी वी इज इन डायरेक्शन op, देन टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होगा वापस आने में, इट रिटर्न टू p तक वापस आने में क्या टाइम लगेगा, t/π tan inverse vt/2π b, तो क्या लगेगा t/π tan inverse vt/2π b। अगला जो है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ पैराबोला विद यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, आप तो कहेंगे कि सब इंपॉर्टेंट, तो जितने इंपॉर्टेंट थे बस वही लिए हैं, बाकी तो पूरी बुक है ऐसे, ठीक है, तो पूछा है शो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस ऑफ एनी पॉइंट इज पी वेरीज देन इनवर्सली आ sp^3/2, तो किसके इक्वल होगा, ऑप्शन वो राइट होगा इन्वर्सली एज sp^3/2 या 1/sp^3/2, ओके, समझ गए होंगे। तो ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जांपल 2b, इफ़ अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड देन, अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है सर्किल पे कांस्टेंट स्पीड से, देन उसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट हाफ होती है, हाफ ऑफ दैट अबाउट द सेंटर, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है वहाँ पूछते तो हाफ लगाना है, ओके, आगे देखते हैं। ये है हमारा प्रूव दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा, अगर प्लेन कर्व में मूव कर रहा हो तो v/ρ dv/ds - v²/ρ² dρ/ds, ds दोनों में है, रो दोनों में है, तो v/ρ dv, देखो ऊपर नीचे ऊपर यहाँ भी ds, या -v²/ρ² dρ/ds, इस टाइप से कुछ सॉल्व होगा, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आ स्ट्रेट स्मूथ
ट्यूब रिवॉल्व्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एक्सट्रीमिटी विच इज़ फिक्स्ड इफ इनिशियली अ पार्टिकल इनसाइड इन बी अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फिक्स्ड एंड एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग द ट्यूब शो दैट द डिस्टेंस वहाँ पूछेगा टाइम कितना लगा डिस्टेंस कवर करने में तो ए कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा डी प्लस बी अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। बस यहाँ तक हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देंगे, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं आज की रात, प्लीज़ लग जाइए और जुट करके सब कुछ रिवाइज तो हो ही गया होगा आप लोगों का, रिवाइज हो गया या नहीं कमेंट करके बताएंगे। और कुछ अगर कंफ्यूजन हो भी तो अभी पूछ लीजिए, कल के पेपर में बिल्कुल अच्छा अच्छा करके आना है सभी लोगों को और फिर बताना भी है हमें। और शाम को 6 बजे हम लोग वॉइस चैट पे मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे सभी लोग 6 बजे ऑनलाइन आ जाएंगे, ठीक है। हम इतनी बार बता चुके हैं, अगर मतलब सबको जिनको जिनकी इच्छा हो मुझसे बात करने की वो आ सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे मतलब आपसे पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, मतलब जो लोग बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, आपको अगर मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं। और फिर जो कल का पेपर होगा, पेपर के बाद आप लोगों की परसों जैसा कि केमिस्ट्री है तो हम कल ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, मतलब परसों नहीं है उसके एक दिन बाद है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एक ही दिन है, तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ वो कराऊँगी और हम लोग बातें करेंगे, जो भी हो सकता है आपके लिए तो वो किया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे सभी लोग 6 बजे ऑनलाइन आ जाएंगे। तो कल के एग्ज़ाम के लिए मैं अभी से आपको ऑल दी बेस्ट बोल रही हूँ, कल पेपर के बाद आप सभी लोग बताएंगे आके कि पेपर कैसा हुआ, इसमें से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।